मुख्य चुनाव आयुक्त को किससे खतरा? राजीव कुमार को क्यों मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा? गृह मंत्रालय ने अचानक क्यों लिया ये फैसला? लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों को फाइनल करने में लगा हुआ है, ताकि वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी ना हो। लेकिन इसी बीच अचानक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि राजीव कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये फैसला रक्षा मंत्रालय की तरफ से अचानक लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को किसी से खतरा है क्या, या कोई और वजह है? तो बता दें हम आपको, इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। जानकारी के मुताबिक टीएमसी के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां इस समय हंगामा कर रही हैं। इसे देखते हुए आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। माना यह भी जा रहा है कि राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर जेड कैटेगरी की सुरक्षा होती क्या है। तो बता दें, जेड कैटेगरी की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। आर्म्ड फोर्स के 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड वीआईपी के घर पर रहते हैं। 6 राउंड द क्लॉक पीएसओ, 12 तीन शिफ्ट में आर्म्ड स्क्वाड के कमांडो, 2 वॉचर शिफ्ट में और 3 ट्रेन ड्राइवर राउंड द क्लॉक मौजूद रहते हैं। इस समय देश चुनावी मोड में जा चुका है। देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल को पहले चरण के साथ होगी। वहीं दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को होगा, जबकि चौथा 13 मई को और पांचवा 20 मई को, छठवा 25 मई और सातवा और अंतिम चरण 1 जून को होगा। वहीं सभी चरणों के मतदान की काउंटिंग 4 जून को होगी, और तब साफ हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार आ गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। सीईसी की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल और चुनाव आयुक्तों की 62 साल होती है। चुनाव आयुक्त का पद और वेतनमान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है, या फिर वो खुद अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। भारत के निर्वाचन आयुक्त के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न कराने की भी जिम्मेदारी होती है, और चुनावों को देखते ही अब चुनाव आयुक्त की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।